हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, लेट नाइट थॉट। आपके पर्सन के देखेंगे तो आज रात आपके पर्सन के मन में क्या कुछ है आपको लेके चलिए देखते हैं। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग को आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी जेंडर के लिए, किसी भी एज ग्रुप के लिए इस रीडिंग को देखा जा सकता है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। तो चलिए बस देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके क्या फीलिंग रखते हैं, हजरत उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, मेरे व्यूवर्स को लेके, इस रिश्ते को लेके। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है। ओके, वी हैव अ पेशेंस, पॉसिबिलिटीज़, इनर वॉइस एंड दी एग्जॉक्शन, सिंजोफेनिया एंड वीवर्स हमारे पास आती है एनर्जी प्रोजेक्शन की। वीवर्स देखो, सबसे पहले आपके लिए जो एनर्जी गाइज मिलती है वो आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा आस्पेक्ट दिखाती है कि ये किसी किसी बात को लेके बड़े ज़्यादा परेशान हैं और किसी सिचुएशन को ये हैंडल करना चाहते हैं। आपके रिश्ते में ही बात हो रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत क्विकली, बहुत जल्दी किसी चीज़ को ये हैंडल करना चाहते हैं या किसी सिचुएशन से ये ओवरकम करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे आ रही है क्योंकि बहुत समय से ये किसी बात में, ये किसी वहम में, किसी सिचुएशन में या किसी रिश्ते में भी बस यहाँ पर स्टक नज़र आ रहे हैं। मतलब हैंडल करते करते, संभालते संभालते सिचुएशन को, परिस्थितियों को, रिश्ते को, अपने आप को, मतलब हर चीज़ इनकी जवाब देती हुई नज़र आ रही है। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी टेंशन को भी, अपने गुस्से को भी, अपनी लाइफ को भी। जैसा चाहते वैसा कुछ हो नहीं रहा इनकी लाइफ में। तो ये विवर्स एनर्जी दिखाती है कि सबसे पहले आपके पर्सन की लाइफ में कुछ रियलिटी इनके सामने आ रही है। व्यूवर्स ये खुद की ही रियलिटी यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहले क्या था, ये आपको भ्रम में रखते थे। पहले क्या था, ये आपको एक तरह से छलावे में रखना, झूठ बोलना, कुछ भी हो सकता है व्यूवर्स। मैं नॉट जस्ट बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये पर्सन हमेशा झूठ बोलते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ आपके सामने एक ऐसा इल्यूज़न ज़रूर क्रिएट किया है जिसको ये चाहते थे कि आप उस चीज़ को समझें या इनकी परिस्थितियों को समझें। इनकी परिस्थितियाँ क्या है, ये कुछ ऐसा आपको दिखाना चाहते थे जैसा आप इनको लेके चलें अपनी लाइफ में। लेकिन व्यूवर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो सारे प्लान्स इनके यहाँ पे मुझे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में आ गया है टावर मोमेंट। अब टावर मोमेंट ने क्या किया है व्यूअर्स इनकी लाइफ के अंदर, सबसे पहले उस इल्यूजन की वजह से उन सारे मतलब भ्रम को यहाँ पे तोड़ दिया गया व्यूअर्स, और जो सारी सच्चाई थी वो यहाँ पे निकल के सामने आ गई है। और व्यूअर्स अब आपके पर्सन यहाँ पे ये भी समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो इस रिश्ते में इनको जो करना चाहिए था, अब वो टाइम आ गया कि वो करें और इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट्स यहाँ पे लगाएं। क्योंकि ये व्यूअर्स इस रिश्ते को लेकर यहाँ पर क्लियरली मतलब एक श्योरिटी लेके नज़र आ रहे हैं कि मतलब हाँ ये चीज़ें हैं, ये ही रिश्ता मेरे लिए है, या फिर मैंने इस रिश्ते पर ध्यान ना देके मतलब सही नहीं किया। यहाँ पर व्यूअर्स ये है कि हर वो बिगड़ी हुई चीज़ जो इस रिश्ते में एज ए टावर मूवमेंट के साथ में बिगड़ी है, एक्शन ना ले पाने की वजह से बिगड़ी है, क्लैरिटी ना हो पाने की वजह से बिगड़ी है, कुछ डिसीजन ना ले पाना, मतलब एक तरह से सोचना बहुत कुछ, करना कुछ नहीं, व्यूअर्स वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि अवॉइडेंस की वजह से इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा हर्ट मिल चुका है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर मिल चुके हैं, काफ़ी आप भी हर्ट हुए हो, ये पर्सन भी हर्ट हुए हैं। लेकिन व्यूअर्स जैसे मैंने बोला, ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने को लेके ही, पहली एनर्जी यही आई थी। तो व्यूअर्स अब आपके पर्सन चाहते ये रिश्ता इनके मतलब पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, हैंडल हो जाए। ये इस रिश्ते में मतलब एक फायरी एनर्जी लेके चल रहे हैं कि मतलब करना है तो करना है, पाना है तो पाना है, यही रिश्ता मेरे लिए है। तो व्यूअर्स अब आपके पर्सन एक तरह से निकलना चाहते हैं किसी स्टक सिचुएशन के अंदर, पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, रास्ते तलाश रहे हैं, नए नए तरीके तलाश रहे हैं जिससे वो इस रिश्ते को फिर से अपनी लाइफ में पा सके, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इस रिश्ते को खो दिया है। लेकिन अब व्यूअर्स ये और ज़्यादा इस रिश्ते में डिले नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते इस रिश्ते को, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर अगर इन्होंने ये रिश्ता खो दिया, अगर ये रिश्ता इनकी लाइफ से चला जाता है तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन होगा, ये खुद होंगे। ये ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, मतलब सब कुछ होते हुए भी अगर कुछ नहीं है लाइफ में, वो है एक तरह का फ्रीडम जो इस रिश्ते में इनको मिलता है, एक इस रिश्ते में जो एक हैप्पीनेस मिलती है, दिल खोल के जो खुशी होती है जीने वाली व्यूअर्स, वो इस रिश्ते में फिर वो खो बैठेंगे। और इसीलिए व्यूअर्स यहाँ पर टावर के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये जो पर्सन है अब और ज़्यादा इंतज़ार यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं, कोई डिसीजन को लेने को लेके यहाँ पे एनर्जी गाइज यही है कि डिसीजन तो छोड़ो, पहले रिश्ता जो बिखर रहा है पहले उसको संभाल लो,
ठीक है, जो रिश्ता ख़राब होता चला जा रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती चली जा रही है, उनको हैंडल कर लो, उसको सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि सोचने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं बनेगा, तो यहाँ पे काम किस चीज़ से बनेगा, एक्शन लेने से। तो एक्शन को लेके ही यहाँ पर आज रात आपके पर्सन मुझे यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्शन किस चीज़ को लेके, जो चीज़ें यहाँ पे मतलब कहते हैं ना रायता सा फैल गया है, उन चीज़ों को समेटने को लेके, ठीक है। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी गाइज यहाँ पर आई है, आई थिंक दो कार्ड है। तो व्यूवर्स यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि ये जो पर्सन व्यूवर्स लाइफ की कैसे एज पे आके खड़े हो गए, जहाँ पर ये नए नए रास्ते ही तलाश रहे हैं, वही पॉसिबिलिटीज़ वाली एनर्जी है। आपको स्टॉक करना, आपको वॉच करना, आपकी तरफ देखना, आपके रिश्ते से कनेक्ट होने के रास्ते तलाशना, मतलब अवेकनिंग है व्यूवर्स यहाँ पे, वही है ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की लाइफ में आया है। यानी इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसने इनके अंतर मन को हिला दिया है, इनकी सोच ख़त्म कर दी है, एक पुरानी रूढ़िवादी सोच जिसको लेके ये चल रहे थे वो यहाँ पर ख़त्म नज़र आती है, ठीक है। तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे देखो अगेन टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। इनका मन क्या कहता है, इनका मन ये कहता है कि आपके साथ में ही इनको जुड़ना है, इनका मन ये कहता है कि आप मुझे आपके साथ में रिश्ते बेहतर करना है, क्योंकि अब इनका मन व्यूवर्स यहाँ पे स्थिर नहीं है। क्या स्थिर नहीं है, क्योंकि ये इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते को पाना चाहते हैं। बेशक थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका है, थर्ड पार्टी की वजह से वो आपके साथ में जुड़ नहीं पाए, उसकी वजह से ये आपकी आ नहीं पाए, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपके साथ में मतलब एक तरह से धोखा रखा, छलावा रखा, आपको इल्यूजन में रखा, और इसी की वजह से व्यूअर्स आपका रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हो गया, टूट गया, बिखर गया, ट्रस्ट ख़त्म हो गया। व्यूअर्स अब आपके पर्सन यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये व्यूअर्स यहाँ पर है एनर्जी, क्योंकि वो अब आपकी तरफ यहाँ पर मुझे एक्शन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने कर्मों पर यहाँ पर पछताते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्यों उन्होंने आपको धोखे में रखा, क्यों उन्होंने आपका कमिटमेंट तोड़ दिया, क्यों उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी गाइज यही है कि अब वो खुद भी इस रिश्ते को लेके कॉन्शियस हैं, वरी हैं, मतलब कैसे हर चीज़ को सॉर्ट आउट करें, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम को हैंडल करना, इस रिश्ते में कम बैक करना, इस रिश्ते को हील करना, ये सारी चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे एक तरह से ट्रोमा इस पर्सन को दे रही हैं। आज रात ये भी व्यूअर्स पॉसिबल है कि आज रात पूरी रात ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोचने वाले हैं, ठीक है। क्या सोचने वाले हैं, रास्ते तलाशने वाले हैं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं इस पर्सन से यानी आपसे कनेक्ट हो जाऊं, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी लाइफ में ये इंसान आ जाए, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपको सिर्फ पाने को लेके एनर्जी है, ये सिर्फ आपके रिश्ते को हील करने को लेके एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड व्यूवर्स यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। आपकी व्यूवर्स अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूँ, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप इस पर्सन से चाहते हैं कि ये भी पर्सन आपको अप्रोच करे, आपके पास में अपना लव, अपना सपोर्ट, अपना जो केयर है वो आपकी तरफ लेके आए, आपको ऑफर करे। लेकिन व्यूवर्स आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ पर कट टू कट बात करना चाहते हो, आप यहाँ पर किसी तरह की मतलब जैसे होता ना कि भाई इस रिश्ते को लेके क्या करना है क्लियरली बता दो, इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ना है तुम्हें, नहीं बढ़ना है, मतलब आप यहाँ पे व्यूअर्स एक क्लियर कम्युनिकेशन में नज़र आ रहे हो। आप यहाँ पे मुझे पहले ऐसा नहीं है कि आपके मन में डिज़ायर नहीं, इस कनेक्शन को लेके डिज़ायर आज भी नज़र आती है, लेकिन वो क्लैरिटी को लेके है, ठीक है, कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक तुम इस तरह के जो एटमोसफेयर में फंसे रहोगे, कब तक तुम मतलब इस रिश्ते को स्ट्रगल की तरह समझोगे, या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना कब तुम शुरू करोगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आपका जो मेन पर्पस है वो यहाँ पे है स्टैंड लेना, कम्युनिकेशन करना, ठीक है, रिश्ते में आगे बढ़ाना, बातचीत को आगे बढ़ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, स्टैंड लेना, बेसिकली आपका जो मोटिव है वो यहाँ पे स्टैंड लेना है कि भाई तुम मेरे लिए, मेरे रिश्ते के लिए स्टैंड लो, तो ही मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करूँगी, अदरवाइज़ तुम इस तरह की जो बातें हैं वो तो तुम पहले भी कर चुके हो, ठीक है, मतलब तुम्हारा इस तरह से मुझे मैनिपुलेट कर लेना, बातें बनाना, ये तो तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन अब मुझे जो मुझे चाहिए तुम मुझे वो दो। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तरह की क्लैरिटी चाहिए इस रिश्ते को लेके, मुझे चाहिए यहाँ पे
कि मेरे रिश्ते में अगर कोई मदर इशू है तो तुम अपनी मदर के सामने यहाँ पे स्टैंड लो, ठीक है, अपनी मदर से बात करो, इस रिश्ते में शादी को लेके बात करो। तो व्यूअर्स यहाँ पे वही एनर्जी गाइस ज़्यादातर नज़र आ रही है कि आप इस पर्सन को आप भी नहीं खोना चाहते हो, आप भी इस पर्सन को लेके बड़ा ज़्यादा वरी और कॉन्शियस में हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है और आप दोनों की जो एनर्जी है वो यही दिखाती है कि यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट आप दोनों में हो रहे हैं। वो आर्ग्यूमेंट मतलब एक तरह के स्टैंड को लेके, एक तरह से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने को लेके। तो यहाँ पे व्यूअर्स वही है कि तो क्लैरिटी आपके पर्सन आपको दे, ये जानते हैं कि आपको क्लैरिटी ही चाहिए और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है कि क्लैरिटी देंगे तो आपको क्या देंगे क्लैरिटी, तो ये इन सब चीज़ों को यहाँ पे ये सोचते हुए नज़र आ गए हैं। अब ये ऐसे एज पे आगे खड़े हो गए हैं जहाँ पर इन्होंने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो ये इनको लगने लगा है कि हाँ टावर मोमेंट तो डेफिनेटली फिर पक्का ही पक्का है, ठीक है, फिर आप इनके हाथों से निकल जाओगे या फिर मतलब ये रिश्ता इनके हाथों से निकल जाएगा और ये फिर पछताएंगे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे पछताती हुई एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रही है, ठीक है। तो किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी को मैं आपके लिए एक बार और क्लैरिफाई कर रही हूँ। अगेन व्यूअर्स यहाँ पे है तो किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड इस रिश्ते के लिए व्यूअर्स यहाँ पे मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब कैसा हो सकता है व्यूअर्स कि यहाँ पे कोई फैमिली इश्यूज हो, फैमिली अगेंस्ट में हो, परिवार अगेंस्ट में हो, सोसाइटी अगेंस्ट में हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स ये बदलना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो व्यूअर्स यही एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी है और ये भी चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आए। अगेन ऑफ़र है, लव को लेके सॉलिड ऑफ़र नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी व्यूअर्स इस तरह के चक्र में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं जिससे ये भी बाहर निकलना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं और एक तरह से नई जर्नी आपके साथ में यहाँ पे ये पर्सन प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स चलिए कुछ चैनल मैसेज लेते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के आपको लेके चैनल मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके तो चलिए देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेज। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, ठीक है, मेरा दिल आपसे जुड़ा हुआ है। माई हार्ट एच फॉर यू, मेरा दिल आपके लिए रोता है, तड़पता है, ठीक है। देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं बचा है पहले जैसा। ओके लेट मी इन, पर फिर भी मुझे आने दो, अपनी ज़िंदगी में शामिल होने दो। आई वॉन्ट यू, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, ये आपके ऊपर व्यूअर्स मतलब कह सकते हैं कि रो भी रहे हैं आपके लिए और आपको हर्ट करके खुद भी हर्ट हो रहे हैं। आई विश यू वर हेयर, उम्मीद करती हूँ या करता हूँ, यह मेरी दुआ है कि आप मेरे पास हों। आई एम सो स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, ये रिजेक्शन से डरते हैं। वही है टावर मोमेंट, अगर उन्होंने नहीं लिया एक्शन तो आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, तो इनको रिजेक्शन का भी डर है। इट्स ड्राइव्स मी क्रेजी हाउ मच आई थिंक अबाउट यू, जितना जितना मैं आपके बारे में सोचता जाता हूँ या सोचती जाती हूँ उतना ज़्यादा आप मुझे मतलब थॉट से कनेक्ट होते जाते हैं। मतलब अगर वो सोचने बैठते हैं आपके बारे में तो सोचते ही चले जाते हैं। अनस्टॉपेबल थिंकिंग व्यूअर्स आपको लेके यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके सो व्यूअर्स मैं यहाँ से भी दो तीन कार्ड लूँगी आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके तो ये चार कार्ड आए हैं, मैं इन्हीं चार कार्ड को लूँगी। आई इंटेंशनली इग्नोर यू, इन्होंने आपको जानबूझ के इग्नोर किया था, ठीक है। आई डोंट हैव स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि अब मैं तुमसे बात कर सकूँ। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, मैं आपके बारे में सोने से पहले सोचती हूँ या सोचता हूँ अक्सर। यू आर सो सेक्सी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखो सारी एनर्जी क्लियर है। हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया था और इग्नोर करने का खामियाजा अब ये भुगत रहे हैं और इसीलिए व्यूअर्स ये आपके साथ में कनेक्शन को फिर से रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको एक तरह से पुल कर रहे हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपका ऑरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, ये आपसे बात करने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि जो इंसान खुद ही किसी को इग्नोर कर रहा है वो अब उसके सामने जाके कैसे कोई बात कर पाएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये भी एनर्जी है और आपके बारे में ये दिन रात सोचते हैं व्यूअर्स, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स नई रीडिंग के साथ में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।